वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करेंगे जो DSSSB की एग्ज़ाम आने वाली है, PGT, TGT, PET, उनके बारे में। तो सबसे पहले DSSSB का मीनिंग होता है दिल्ली स्टाफ सबॉर्डिनेट्स सिलेक्शन बोर्ड, जो TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PET यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इसमें जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, ये भी 20 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें गणितीय गणनाएं आती है, वो भी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो 20 नंबर के होते हैं 20 क्वेश्चन, और हिंदी के भी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टोटल 2 घंटे का होता है। और सब्जेक्ट कंसर्न फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो उसके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टोटल करके 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होते हैं। अब जो नोट दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर 1 टियर एंड 2 टियर रिटन एग्ज़ाम, यानी जो मिनिमम कितने मार्क्स हैं आपको गेट करने हैं भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए। तो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 40% है, OBC जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35%, SC ST फिजिकल हैंडीकैप और उनके लिए 30% है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ आंसर, यानी जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है, वो 1/4 होगी, 1/4 यानी 0.25, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर 1 नंबर आपका सही होगा, वो भी 1 नंबर कट जाएगा। और DSSSB PET वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसमें टोटल वैकेंसीज 692 हैं और एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर है, यानी 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलो, जो कैटेगरी वाइज है उनकी संख्या इस तरह है। AWS के लिए 27 पोस्ट, UR के लिए 249 पोस्ट, OBC के लिए 253 पोस्ट, SC के लिए 84 पोस्ट, ST के लिए 79 पोस्ट, PWD के लिए 0 पोस्ट, एक सर्विसमैन के लिए 0, स्पोर्ट्स के लिए 0, टोटल 692 पोस्ट हैं। अब जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज उसकी बात करते हैं, तो पहले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटी यानी राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, स्पोर्ट्स यानी खेल, आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य, जियोग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, एवरीडे साइंस यानी जो दैनिक विज्ञान है उससे संबंधित, साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक जो शोध हैं उनसे संबंधित, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे संबंधित, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आएगा आपका एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्टिब्रल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज एटसेट्रा। अब अरिथमेटिक नंबर एबिलिटी, उसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट सैंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स एटसेट्राज। इंग्लिश लैंग्वेज में एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस करेक्शन, एरर रिपोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, आइडियम एंड फ्रेज। हिंदी लैंग्वेज में गद्यांश, अलंकार और समास, रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय समास, संधि विच्छेद, रस छंद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी की त्रुटि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य में त्रुटियाँ, यह सब आएगा फर्स्ट सेक्शन में। और जो सेक्शन बी है उसमें आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके BPED
DPAD, MPAD इनके दौरान जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं उनसे आएंगे 100 क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और ऐसे ही आगे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।